16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद नरसिंहपुर जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य क्षेत्रीय विधायक जालम सिंह पटेल, जिला कलेक्टर वेद प्रकाश, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीसी आनंद की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। नरसिंहपुर जिले में कुल रजिस्टर्ड किए गए 6,199 लोगों में से 98 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। सबसे पहले जिला अस्पताल अमले में शामिल सफाई कर्मी को टीका लगाया गया। इस चरण में जिले के कुल 405 लोगों को टीके लगाए जाने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन शुभारंभ के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी मास्क और सोशल डिस्टेंस में नजर आए। आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ हमारे नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। आज 98 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आज ये पहली उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और 28 दिन बाद उनको दूसरा इंजेक्शन लगाया। दूसरा टीका लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बस क्लास, कोई परेशानी नहीं है। ये जो कोरोना वैक्सीन है हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और ये पूरे देश में आज लगाई जा रही है।